हेलो प्यारे दोस्तों स्वागत हैं आप सबका आज शुरुआत कर रहे हैं हम राजस्थान की कला और संस्कृति को पढ़ना शुरू कर रहे हैं यहीं से और राजस्थान की कला संस्कृति में जैसे त्यौहार मेले लोक नृत्य लोक नाट्य राजस्थान का जो साहित्य है यहाँ की जो आदिम जनजातियाँ हैं परंपराएं रीति रिवाज हैं यहाँ का कॉस्ट्यूम वगैरह है वो भी सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं और आज हम शुरुआत करेंगे राजस्थान के जो त्यौहार हैं वहाँ से राजस्थान के त्योहारों से संबंधित दो तो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में उसमें ऐसे माना जा सकता है इस बात को कि अगर हिंदू तिथि किसी विद्यार्थी को पता है जैसे जो मास होते हैं क्योंकि ज्यादातर जो हिंदुओं के त्योहार हैं, वो जो उसी के आधार पर मनाए जाते हैं तो फिर वो आसानी से हल कर पाएगा बाकी दो तरीके से प्रश्न हो सकते हैं एक तो जैसे किसी त्योहार का नाम है और उसकी तिथि पूछी गई है तो तिथि हमें याद होनी चाहिए साथ ही साथ एक और तरीका हो सकता है किसी भी प्रश्न के बनने का और वहां हो सकता है कि किसी भी जो है उसकी कोई विशेषता है अलग से या फिर उस त्यौहार के दौरान कोई उसका एक उपनाम वगैरह हो सकता है या उस त्यौहार के दौरान एक मेला वगैरह अगर हो सकता है कोई विशेष प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजित होता है अगर तो ये दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखते हुए हैं इस टॉपिक को पढ़ना है समझने का प्रयास करना है ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न अपना आता है तो वो गलत नहीं होगा और ये जो क्लास है वो किन के लिए रहेगी तो जिनके भी राजस्थान जीके हैं उसमें आर्ट एंड कल्चर है और त्यौहार वाला टॉपिक है तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो मैटर है अपने पास वो इस लेवल का है कि किसी भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न है उसको एक कवर करता हुआ रहेगा और शुरुआत करते हैं जैसे यहाँ पर सबसे पहले हमें विक्रमी संवत के महीनों के बारे में समझना है तो ये बारह नाम आपने सुने होंगे जरूरी और अपने लोकेलिटी में जो ये प्रचलित भी हैं तो निश्चित रूप से आपको याद भी होंगे इनमें शुरुआत होती है चैत्र से और उसके बाद वैशाख हैं ज्येष्ठ हैं आषाढ़ हैं श्रावण हैं भाद्रपद हैं फिर आश्विन है जिसको अपने आसोज बोलते हैं कार्तिक हैं मकसर जिसको बोलते हैं मार्गशीर्ष है पोष माघ और लास्ट जो मंथ है वो हैं फाल्गुन इस तरह से ये नाम हमें पता होना चाहिए हालांकि जो त्योहारों का क्रम है वो हम चित्र से नहीं पढ़ने वाले हैं त्योहारों के क्रम में भले ही इसमें चेंज है लेकिन जो क्रम है वो भी एक बार क्लियरिटी हमारे माइंड में होनी चाहिए कि किस तरह से उनका क्रम रहता है जैसे हम अंग्रेजी जो मास है अंग्रेजी जो महीने हैं उनको हम शुरुआत करते हैं जनवरी से और जनवरी से शुरुआत करके और उनका जो एंड होता है वो दिसंबर में जैसे वो समाप्त हो गए यही सेम सिनेरियो है जो यहाँ पर आपको समझना है इस तरह से इसकी शुरुआत होके और फाल्गुन तक ये चेत्र से फाल्गुन तक पूरा है जो एक वर्ष होता है बारह मास होते हैं और एक महत्वपूर्ण बात है कि ये चंद्रमा पर आधारित होते हैं चंद्रमा पर आधारित का मतलब क्या है चंद्रमा के उदय के साथ जैसे तिथियां शुरू होती हैं और चंद्रमा के समापन के साथ वो जो मास है वो समाप्त होता है इस तरह से और यहाँ पर थोड़ा सा एक यहाँ ये जो कैलकुलेशन है ये कुछ को लग रही होगी कि ये क्या कहानी है तो ये आपको समझना है तीन या पचपन जैसे सामान्य जो अंग्रेजी मास होते हैं उनमें हम तीन या जब लीप वर्ष होता है तो हम एक दिन एक्स्ट्रा यानी तीन पढ़ते हैं उसमें और यहाँ पर 10 दिन है जो कम बताए जा रहे हैं अब कम बताए जा रहे हैं तो हर तीन साल बाद यहाँ पर भी एक अधिक मास होता है जैसे तीन साल होंगे तो क्या होगा जैसे यहाँ तीन सौ पैंसठ दिन होने चाहिए थे जबकि हो कितने पचपन यानी कितने दिन का अंतर आ रहा है दस का तो तीन साल में कितने दिन का अंतर आ जाएगा तीस का यानी कि एक माह का अंतर आ जाएगा और वही एक माह है जो वहां पर अधिक मास कहलाता है या अधिक मास के रूप में उसको काउंट कर लिया जाता है और वापस से यह जो मास है वो बैलेंस हो जाते हैं तो ये तो एक सिंपल सी बात थी अपने साढ़े uh, उनतीस लिखा हुआ है सभी में बारह जो मास है उनके साथ लिखा हुआ ये और जब अंग्रेजी महीने होते हैं तो उनमें क्या जो एक महीना है उसके जस्ट नेक्स्ट वाले मंथ में उनको एडजस्ट कर देते हैं जो एक दो दिन आगे पीछे हैं। जैसे कुछ मास हैं जो इकतीस इकतीस दिन के हैं कुछ है वो तीस के हैं और फरवरी में हम जानते हैं कि अट्ठाईस और उन्तीस की स्थिति भी बनती है तो इससे वो जो आगे पीछे का सिस्टम है वो वहीं का वहीं कवर हो जाता है और यहाँ पर वो पूरा तीन साल जब हो जाते हैं तो दस 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 दिन जुड़ के और तीस दिन यानी एक मास है वो बढ़ा के उसको कवर कर लेते हैं अब बात करते हैं हम आगे यहाँ पर जो सूर्य आधारित कैलेंडर है यानी कि जो अपना जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर है उसको कैसे ये मैनेज करते हैं बात मैं समझा चुका हूँ वही बात सेम है कि प्रत्येक तीसरे साल एक अतिरिक्त मास जोड़ देते हैं और उसको क्या कहते हैं अधिक मास पूरी कहानी बता चुका हूँ यानी कि एक मास और उसी को अधिक मास कहा जाता है और थोड़ा सा इनका कंपेरिजन हमें जो अपना जनवरी फरवरी क्योंकि ज्यादातर हम जो कोई भी एक्टिविटी है हमारे जीवन में तो जैसे त्योहार वगैरह हैं हम जरूर इन मास के आधार पर मनाते हैं लेकिन क्या कोई ऐसा आपने सुना अपने आसपास में जो अपना जन्मदिन इनके आधार पर मनाता हो नहीं मनाता है कोई भी तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब यही हो गया कि जन्मदिन नहीं मनाते हैं यानी कि जनवरी फरवरी के हिसाब से मनाते हैं हम और जनवरी फरवरी के हिसाब से मनाते हैं तो हमें है जो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या कहानी है अब पता रहेगा तो फिर थोड़ा सा हमें इनके साथ इनको कनेक्ट करके भी देखना चाहिए जैसे पोषमाघ है यानी उस समय लगभग जो मास चल रहा होता है अपना जो ये अंग्रेजी कैलेंडर है उसका वो जनवरी है इसी प्रकार से वो थोड़ा सा ऐसे भी देख सकते हैं जैसे पोषमाघ का हमें थोड़ा बहुत पता होता है कि ठंड का समय है जैसे तो वो जनवरी है माघ फाल्गुन है वो फरवरी है इसी तरह से फाल्गुन और चैत्र का जो समय है वो क्या कहलाता है मार्च इसी प्रकार चैत्र वैसाख का समय है वो अप्रैल है वैसाख ज्येष्ठ का समय है वो मई जो मास हैं उसके संबंध में है ज्येष्ठ आषाढ़ है वो जून से संबंधित है आषाढ़ श्रावण जुलाई इसी तरह से श्रावण और भाद्रपद है वो अगस्त से रिलेटेड हो गए भाद्रपद अश्विन है वो सितंबर से अश्विन कार्तिक अक्टूबर से और नवंबर दिसंबर की कहानी भी इसी तरह आगे कार्तिक मार्ग यानी नवम्बर है और मार्ग शीर्ष वापस से लगभग वो जो जहाँ से शुरुआत की थी हमने पोष शब्द था पोष मास था और वही सेम कहानी है जो यहाँ पर दिसंबर के साथ है ये थोड़ा सा कनेक्शन है जो पता होना चाहिए ज्यादातर संभावना यह रहेगी कि परीक्षा में कोई प्रश्न यहाँ से हमें नहीं पूछा जाएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे एक जो यहाँ आर एस मेन्स लिखा हुआ है इस पर ध्यान मत देना अपने समझने के हिसाब से ये चीजें जो महत्वपूर्ण है्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर एक अपने राजस्थान के जितने त्योहार हैं उनके बारे में एक प्रचलित लोकोक्ति है ये तो इस लोकोक्ति का मतलब क्या है तीज त्यौहारा बावड़ी ये आर एस में आया हुआ है इस कारण से ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा और कोई भी अपने पेपर बनाने वाले भी निश्चित रूप से जो आरपीएससी के एग्जाम वगैरह देते हैं तो उनको ये चीज ध्यान होती है तो हमें भी ध्यान होनी चाहिए क्योंकि यहां से प्रश्न बनेगा तो निश्चित रूप से अपना सही होना चाहिए तो तीज त्योहार बावड़ी का मतलब हो गया कि तीज के साथ ही त्योहार हैं जो वो वापस से मनाना शुरू हो जाते हैं और ले डूबी गणगौर गणगौर मतलब जब ही मनाते हैं हैं तो इसके साथ ही जो त्योहार वो जो वो खत्म हो जाते हैं एक तरीके से त्योहारों का एंड हो जाता है द एंड हो जाता है और यही बात है जो यहाँ हमने मतलब एक्सप्लेन भी लिख रखा है तो यहाँ समझ सकते हैं अपन हिंदू हिंदू त्यौहार श्रावण शुक्ल तृतीया अर्थात छोटी तीज से शुरू होते हैं और चैत्र शुक्ल तृतीया यानी गणगौर पर समाप्त हो जाते हैं फिर वापस से जब ये पी जाती हैं जो श्रावण शुक्ल तृतीया है छोटी तीज है वहीं से वापस से वो शुरू होते हैं ये कहानी थी तीज त्यौहार बावड़ी ले डूबी गणगौर इस लाइन की अब हम शुरुआत कर रहे हैं जो सबसे कह सकते हैं कि सबसे मेन पोर्शन है इस यूनिट का जहां पर हमें समझना है जहां पर ज्यादा से ज्यादा जो फैक्ट हैं या समझने की चीजें हैं जिनको समझते हुए हम आगे कोई भी परीक्षा है उसको बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे उसमें जो क्वेश्चन इससे आएगा उसको तो बात करते हैं श्रावण में अभी जैसे ये जो डायलॉग था अपना है ना उसकी जो कहानी है वो श्रावण शुक्ल तृतीया की है तो श्रावण शुक्ल तृतीया भी यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं और यहीं से शुरुआत भी मान सकते हैं कि इसी कारण से हम सबसे पहले किसको पढ़ रहे हैं श्रावण को पढ़ रहे हैं तो ये कोई ऐसे टेंशन मत लेना कि जब भी हम वो जो नाम देख रहे थे उस समय चेत्र का नाम था और यहाँ श्रावण कैसे आ गया और एक नंबर कैसे डाल दिया उस पर ऐसी तो टेंशन नहीं लेनी है उसको भी पढ़ेंगे हम हम लेकिन सबसे पहले हम जो जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको पढ़ रहे हैं तो श्रावण यहाँ पर पहले नाम आया है अब बात करते हैं जैसे कोई भी एक मास है तो उसको अपने यहां पंद्रह पंद्रह दिनों के दो वर्गों में बांट दिया गया है पंद्रह दिन को हम कहते हैं कृष्ण पक्ष जो प्रारंभिक पक्ष है उसको और पंद्रह को हम कहते हैं शुक्ल पक्ष और नाम कैसे पड़ा यह भी देख लीजिए कृष्ण पक्ष में क्या होता है जब भी चंद्रमा है वो छोटा होता जाता है या फिर चांदनी नहीं होती है तो वो कृष्ण यानी काला यानी कि जो अंधेरी रहते होती है वो तो हो गया कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष शुक्ल का मतलब होता है सफेद या व्हाइट ऐसे अनुमान लगा सकते हैं तो चंद्रमा की चांदनी होती है चंद्रमा जो निकलता है उसकी जो उसका आकार बढ़ता रहता है और इसी कारण से एक पक्ष है उसका नाम शुक्ल पक्ष हो गया चीज समझनी है अब शुरुआत करते हैं हर एक मास में हम इस तरह से पढ़ेंगे कि एक तरफ तो हम पढ़ेंगे कृष्ण पक्ष और एक तरफ पढ़ेंगे शुक्ल पक्ष और एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पर फॉर्मेट करता हूँ तो वो आप समझ जाएंगे कि पूरी कहानी क्या है और हमें कैसे ध्यान रखना जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि राजस्थान में नाग पंचमी का त्यौहार कब मनाया जाता है एक सिंपल सा प्रश्न है ये कि ये नाग पंचमी का त्यौहार है वो कब मनाया जाता है अब वहां पर हमारे पास ऑप्शन होंगे एक तो लिखा हुआ होगा श्रावण कृष्ण पंचमी एक लिखा होगा श्रावण शुक्ल पंचमी अब हम इन दो में से कोई एक उत्तर दे रहे हैं तो हमें याद रखना है कि वहां शुक्ल नहीं है कौन सा पक्ष है कृष्ण है तो हमें सही कौन सा करना है श्रावण कृष्ण पंचमी और अगर ये हम ध्यान रख लेते हैं तो फिर अपना प्रश्न सही है और ये अगर ध्यान नहीं रख पाते हैं तो वहां पर अपना प्रश्न है जो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है और हर एक मास के साथ ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं उनको ये इस तरह के जो त्यौहार वगैरह हैं वो याद होते नहीं है काफी टप पड़ता है ये टॉपिक और ज्यादातर तो इसी कारण इस टॉपिक को बाद में भी रखने लग गए आजकल की स्टूडेंट है उसकी जो फ्लुएंसी आती नहीं है जब हम लेकिन मैं पहले बात कर रहा हूं क्योंकि कोई स्टूडेंट अगर चाहे कि बाकी स्टूडेंट से उसका जो उसकी जो स्थिति है तैयारी के मामले में वो अच्छी हो अगर तो वो इसको तैयार कर सकता है बहुत अच्छे से और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है मान सकते हैं थोड़ा बहुत है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है इसको दो चार बार जब भी इस वीडियो को आप सुनेंगे समझेंगे तो जरूर कंप्लीट हो जाएगा ये तो कृष्ण पक्ष में जो त्यौहार हैं उनमें टोटल त्योहार हैं यहाँ पर हमारे सामने नाम जो आ रहे हैं वही है केवल पंचमी नवमी और अमावस्या अब जो भी इस तरफ है तो कृष्ण है जैसे यहाँ पर जो निडरी नवमी है जब नेवले की पूजा होती है तो भी ये श्रावण कृष्ण नवमी है फिर अमावसा है अमावस्या के साथ और पूर्णिमा के साथ कृष्ण और जो शुक्ल पक्ष है उसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है अमावस्या का मतलब हमें ये समझना है कि कृष्ण पक्ष का सबसे लास्ट दिन है ना और पूर्णिमा जहां भी आएगा तो वहां पर हमें समझना है जो शुक्ल पक्ष है उसका लास्ट दिन इस तरह से अभी हम इसको समझ सकते हैं बहुत अच्छे से तो यहाँ पर तीन त्योहारों की बात कर चुके हैं हम पंचमी को नाग पंचमी नवमी को निडरी नवमी और अमावस्या को हरियाली अमावस्या हरियाली अमावस्या जरूर आपने नाम सुना होगा जब इधर उधर घूमने जाने का, इस तरह का बनता है। अब आपको जैसे अजमेर में एक कस्बा है मांगलियावास वहां पर दो वृक्ष हैं वृक्ष हैं इसी कारण से उसको कल वृक्ष मेला कहा जाता है फतेह सागर उदयपुर में है जहाँ पर शोर सालार सारी चीजें हम पढ़ हमने पढ़ी थी तो वही आपको याद रखना फतेह सागर झील है उसके किनारे पे भी हरियाली अमावस्या के दिन मेला लगता है श्री गंगानगर में सिख संप्रदाय के जो लोग हैं वो बुढ़्ढा जौहर जो उनका गुरुद्वारा है वहां पर भी मेला लगाते हैं किस दिन हरियाली अमावस्या के दिन और हरियाली अमावस्या कब आती है तो श्रावण श्रावण की अमावस्या उसको हरियाली अमावस्या कहते हैं या श्रावण कृष्ण अमावस्या भी कह सकते हैं हालांकि वो लास्ट डे होता है तो कृष्ण बोलने की आपको आवश्यकता नहीं है केवल आप श्रावण अमावस्या ऐसे ध्यान रख सकते हैं फिर आ जाते हैं हम इधर शुक्ल पक्ष में शुक्ल पक्ष में शुरुआत होती है छोटी तीज से और छोटी तीज है यानी अपने यहाँ तीज ही कहते हैं छोटी तीज बड़ी तीज ऐसा कुछ नहीं है तो तीज में क्या होता है अपने यहाँ ज्यादातर झूला वगैरह यार ये इस तरह की स्थितियां बनती है कि झूला उला झूलते हैं या ऐसे तो अपने यहाँ जयपुर में इसकी एक सवारी फेमस है वैसे तीज में हम एक और तीज भी पढ़ेंगे कजली तीज का नाम भी आएगा और कजली तीज जब पढ़ेंगे तो वहां उसकी सवारी की बात आएगी तो हमें याद रखना बूंदी तो वो तो बूंदी में निकलती हैं और यहाँ छोटी तीज की सवारी है उसकी अगर बात की जाए तो फिर वो जयपुर में और आगे जब भी हम बात करेंगे तो कुछ एक गणगोर के रिन के बारे में बात करेंगे जो कि जैसे जैसलमेर की फेमस है जयपुर की फेमस है कर्नल जेम्स टोड़ ने जिसका वर्णन किया था वो उदयपुर की फेमस है तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि छोटी तीज की सवारी कहाँ निकलती है जयपुर में पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार है प्रकृति से जो स्नेह है हमारा उसका त्यौहार है महिलाएं इस प्रकार के वस्त्र पहनती हैं तो या लहरिया हैं वो पहनना ज़्यादा ऐसा मतलब कहा जा सकता है अपना यहाँ का ट्रेडिशन है इस कारण से लहरिया पहनती हैं और इसी समय जो ससुराल नवविवाहिता है उसके लिए ससुराल पक्ष वाले जो उपहार वगैरह कपड़े लते जो भी हैं वो लाते हैं और उनको क्या कहा जाता है सिंजारा कहा जाता है ये भी आपको याद रखना है सिंजारा है जो आर एस में आया हुआ शब्द है वहाँ पूछा गया था इसे कि सिंजारा क्या है तो वो इसकी जो परिभाषा है ये आपके सामने लिखी हुई है अपने यहाँ शायद तक इसके लिए जो शब्द काम में लिया जाता है वो लिया जाता है श्रावण का बेस इस तरह का ये शब्द काम में लिया जाता है तो वही कहानी है ये याद रख लेना उसको सिंजारा कहा जाता है फिर आगे हैं पूर्णिमा और पूर्णिमा जब आती हैं तो पूर्ण जो श्रावण पूर्णिमा होती है कौन सा त्यौहार मनाते हैं भाई बहन के जो प्रेम का त्यौहार है आपस में जो कमिटमेंट का त्यौहार है वो है रक्षाबंधन उसी को नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं और शायद इसीलिए जब राखी बांधी जाती है तो श्रीफल यानी नारियल है जो भेंट किया जाता है श्रवण कुमार की पूजा भी की जाती है इसी दिन अपने गाँव में ये ट्रेडिशन है गाँव में का मतलब सभी जगह है जो कम्युनिटी इनको मानती है जो हिंदु मनाते हैं वो कि जब भी ये कार्यक्रम होता है उस दिन है जो घर के बाहर है जो अलग अलग मतलब दरवाजे के वहां पर वो दोनों साइड में जो राखियां लगा के और फिर श्रावण कुमार ऐसे माना जाता है कि वो राखी हैं जो श्रावण कुमार को बांधी गई हो तो श्रावण कुमार की पूजा कब की जाती है इस तरह का प्रश्न आ जाए तो श्रावण पूर्णिमा और नाम श्रावण कुमार बोल रहा हूं मैं श्रवण कुमार तो श्रावण के साथ श्रवण को ऐड कर लेना पूर्णिमा के दिन या राखी के दिन तो ये अभी हमने बात की है कौन से मास के बारे में श्रावण के बारे में सिंपली नाम याद रखने हैं इधर दो नाम है और इधर तीन नाम है पंचमी नवमी और, और है इधर तृतीय और पूर्णिमा नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान का एस, मतलब राजस्थान में जो सबसे ज्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो मनाए जाते हैं भाद्रपद मास में भादवा जिसको हम कहते हैं और त्यौहार मनाने के हिसाब से ये जो मास है वो सबसे आगे हैं तो फिर सारे त्योहार है जो हमें नाम याद रखने पड़ेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा सा हो गया है अपने यहाँ काम तो इसमें हम बात करते हैं जैसे सबसे पहले कृष्ण पक्ष में तृतीय दे रखा है अभी हम श्रावण में पढ़ के आए हैं श्रावण में जो शुक्ल पक्ष है उसमें तृतीय थी और उसको कहा जाता है छोटी तीज और अब यहाँ पर अपने सामने है वो है बड़ी तीज और बड़ी तीज के दो चार उपनाम भी हैं तो उपनाम भी हमें पता होना चाहिए जैसे इसका एक नाम लिखा हुआ है बड़ी को बूढ़ी तीज भी कह दिया है तो यानी कि बूढ़ी तीज भी यह है और इसके साथ ही एक नाम और दे रखा है सातुड़ी तीज यानी कि सातुड़ी तीज भी इसको कहा जाता है और साथ ही साथ में एक नाम और आ रहा है बजली और यह शब्द अभी जस्ट हम बात करके आ रहे हैं बजली तीज के बारे में हमने बात की थी और ये जो सवारी निकाली जाती है कहाँ निकाली जाती है बूंदी में गजली तीज की सवारी कहाँ की फेमस है इस तरह का आएगा तो आपको ध्यान रखना है ये बूंदी में और आगे बात करते हैं इस तरह के बाद बहुत सारे त्योहार और भी हैं जो कृष्ण पक्ष में मनाए जाते हैं जैसे जैसे छठ आठा नवमी बारसमावशा ये सारे के सारे नाम तो ये यहाँ से इसके बाद है वो कंटिन्यू हो जाएंगे और यहाँ हम वापस से आएंगे जब भी बात करेंगे कृष्ण पक्ष के जितने त्यौहार हैं वो कंप्लीट हो गए उसके बाद हम शुक्ल पक्ष के त्योहारों की बात करेंगे तो इसके बाद जो छठ आती है चलो उसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट है इसको छठ भी कहते हैं संस्कृत में बात करें तो षष्ठी कह सकते हैं और इसी के दो उपनाम है हल छठ भी कहते हैं इसको और ऊब छठ भी कहते हैं ऊब छठ या हल छठ और उब छठ क्यों कहते हैं गांव में पहले ऐसा ट्रेंड था अब तो मुझे लगता है कि मुश्किल है लेकिन पहले ऐसे होता था कि जो एक व्रत होता था और उसमें जो लड़की पूरे दिन है जो बैठती नहीं थी यानी खड़े खड़े रहकर ही कोई काम करती रहती थी तो इसी कारण उसका नाम क्या हो गया ऊब ऊब का मतलब ऐसे समझना ऊब मतलब एक तो ऊबना शब्द है वो उबना का मतलब किसी से जी भर जाना वो और एक ऊब का मतलब अपने यहाँ उबा उबा शब्द यूज लिया जाता है मतलब की स्टैंड स्टैंडिंग पोजिशन है ना वो समझना आपको और हल छठ का मतलब हो गया बलराम जयंती भगवान बलराम की जयंती भी है वो इसी दिन मनाई जाती है यानी कि भाद्र कृष्ण षष्ठी के दिन मनाई जाती है और भगवान बलराम कौन थे तो वो भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे किसानों के देवता जिनको कहा जाता है आगे हम बात करते हैं अष्टमी यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी होती है और भगवान कृष्ण का जो जन्मोत्सव है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है ये ध्यान रखना है अपने राजस्थान जीके में जब वल्लभ संप्रदाय हम पढ़ते हैं नाथ द्वारा जब पढ़ते हैं तो वहां का जो कृष्ण जन्म दिवस है वो सबसे फेमस है हालांकि हर गांव में मनाया जाता है हर चार भूजा नाथ का मंदिर जहाँ भी होगा वहाँ पर कार्यक्रम होते हैं बड़े बड़े तो ये अपने को ध्यान रखना है और गोगा नवमी मनाई जाती है जस्ट कृष्ण जन्माष्टमी के अगले ही दिन और इस दिन एक ये प्रश्न भी पहले आर एस में आया हुआ है ये अपने को ध्यान रखना है इस दिन किसान हल्को नौ गांठ वाली राखी बांधता है और काम ना करता है, कि उसका जो, वो जो काम कर रहा है हल से या जो भी उसका मतलब एग्रीकल्चर का काम है वो बढ़िया रिजल्ट उसको देगा इस तरह की कामना करता है वो नवमी के दिन मेले भी भरते हैं क्योंकि गोगा जी से संबंधित जो भी स्थान होंगे निश्चित रूप से वहां मेले भरने हैं तो दो ही स्थान फेमस है चुरू का ददरेवा फेमस है और गोगा मेडी फेमस है कहाँ का हनुमानगढ़ का धुरमेडी वो इस तरह के नाम आते हैं उनमें दो स्थान है तो दोनों हमें ध्यान रखने गोगा मेडी कहाँ है हनुमानगढ़ में ददरेवा कहा है चुरु में नवमी के बाद बारस जिसको बछ बारस भी कहते हैं और संस्कृत में अगर हम कहें तो द्वादशी कहते हैं और यहाँ बछ बारस में बच शब्द आ रहा है इसका मतलब समझना है वो इसके लिए आए हैं वत्स बच, यानी बछड़े के लिए और गाय और बछड़े की पूजा होती है साबुत अनाज का प्रयोग होता है यानी चाकू का प्रयोग नहीं करते थे आजकल तो करते होंगे इतना ज़्यादा जा, ध्यान नहीं देते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखना साबुत का मतलब ये हो गया एक तरीके से वो किसी तरह से उसमें काट पीट नहीं की जाती है ऐसे समझना आपको और लास्ट ये जो कृष्ण पक्ष है उसका लास्ट दिन होता है वो होता है अमावस्या जिसको सती अमावस्या कहते हैं हम और सती अमावस्या के समय पहले झुंझुनू मेला लगता था अब वर्तमान में जो दिवराला कांड हुआ था रूपकवर जहां पर वो सती हो जाती है उसके बाद से ये मेला है वो बेन कर दिया है लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सती माता का मंदिर कहाँ है या मेला कहाँ लगता था तो झुंझुनू और इसको याद रखने की ट्रिक भी यहाँ लिखी हुई है तो इसको अगर याद रखना चाह रहे हैं जैसे तीन का पहाड़ा ही बन गया पूरा तीन छ नौ बारह और पंद्रह है ना और बीच में एक थोड़ा एडिशनल है जो कृष्ण जन्माष्टमी है वो आपको याद रखना आठ अब बात करते हैं शुक्ल पक्ष की वो वापस आ गए हैं हम भाद्रपद में शुक्ल पक्ष पक्ष की तरफ और शुक्ल पक्ष में जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है बीज से बीज का मतलब समझना है यहाँ पर वो सीड वाला बीज नहीं है बीज का मतलब द्वितीय शुक्ल पक्ष का यानी कि दूसरा दिन और जिसको हम अपने यहाँ ट्रेडिशनली क्या कहा जाता है बाबेरी बीच कहा जाता है रामदेव जयंती एक तरीके से यहाँ मनाई जाती है बाबा रामदेव जो की लोक देवता में पढ़ेंगे हम उनका उनकी जन जयंती इस तिथि को मनाई जाती है मेला भी लगता है रूणीचा गांव का नाम है उसी को रामदेवरा भी कहते हैं जो लोकेलिटी है उसको और रामदेव जी का यहाँ पर मेला लगता है कब से कब तक तो द्वितीय द्वितीया से लेकर ग्यारह तक वैसे जो सबसे प्रोम फेमस जो दिन है वो ये है मेन द्वितीय और मारवाड़ का कुंभ इसको कहा जाता है आसपास के अन्य राज्यों से भी लोग बाग आते हैं गुजरात से भी लोग बाग आते हैं राजस्थान के अलावा और आसपास के जो मध्य प्रदेश वगैरह हैं वहाँ से भी लोग इस मेले में आते हैं और मारवाड़ के लोग अपने राजस्थान के लोग तो आते ही हैं खैर नेक्स्ट हैं चतुर्थी तो चतुर्थी को अपने यहाँ और चौथवी कहा जाता है गणेश चतुर्थी इसी के उपनाम में शिव चतुर्थी है कलंक चतुर्थी है या चतरा चौथवी कहते हैं और रणथम्बोर का जो फेमस मंदिर है त्रिनेत्र गणेश मंदिर वहां पर इस समय मेला लगता है इसके अलावा अपने जैसलमेर में जो स्थान है चुंगी मेला तीर्थ और चुंगी तीर्थ के यहाँ पर भी मेला लगता है इस दिन यहाँ पर भी गणेश जी का वैसे चतुर्थी का मतलब भी गणेश चतुर्थी है तो जो गणेश जी के स्थान है वहां पर मेले लगते हैं ये आपको ध्यान रखना है जैसे कोटा में खड़े गणेश जी हैं तो वहां पर भी मेला लगता है और भी बहुत सारे इस तरह के स्थान हैं और जो सबसे फेमस दो स्थान हैं उनका नाम यहाँ आए हैं तो वो आपको याद रखना है और तिथि कौन सी है तो ध्यान रखना है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी है ये गणेश चतुर्थी फिर आगे हम बात कर रहे हैं पंचमी की तो पंचमी में ऋषि पंचमी या सप्त ऋषि की पूजा होती है तो ऋषि पंचमी भी कहते हैं इसको और माहेश्वरी समाज है वो रक्षाबंधन कार्यक्रम है जो इस तिथि को मनाते हैं जैसे रक्षाबंधन अभी जस्ट हम पट के आए हैं रक्षाबंधन तो पहले ही मनाया जा चुका है जब उसकी तिथि की बात भी अगर करें तो हम बात कर चुके थे कि नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं श्रावण कुमार की पूजा होती है और जो अपना श्रावण मास है उसकी पूर्णिमा को ही मनाया जाता है लेकिन यहाँ पर जो रक्षाबंधन है उसकी बात हम कर रहे हैं तो वो अपने भाद्रपद मास की शुक्ल पंचमी के दिन मनाया जाता है माहेश्वरी समाज का और इस समय भी मेला लगता है भोजन थाली मेला लगता है कामा भरतपुर में और झोरडा नागौर में हरी दास जी का मेला लगता है जहाँ पर वो सांप की जो बाम्बी होती है उसकी पूजा करते हैं ये लोग देवता हैं जो सांप से बचाने के लिए भी फेमस है ये हमें पता होना चाहिए नेक्स्ट बात करते हैं अष्टमी की जस्ट इससे जो एक मास पहले हमने बात की थी पंद्रह दिन पहले बात की थी वो थी कृष्ण जन्माष्टमी और उसके पंद्रह दिन बाद जो अष्टमी आती है वो होती है राधा अष्टमी अजमेर में एक स्थान है जिसका नाम है सलेमाबाद और खारी जो नदी है उसी के आसपास में में है ये स्थान और संप्रदाय कौन सा है तो कृष्ण भगवान से संबंधित जो संप्रदाय बने थे अलग अलग उनमें से निम्बार्क संप्रदाय का मेला यहाँ पर लगता है और इस संप्रदाय की खास बात क्या है वो है कि ये संप्रदाय उसको कृष्ण की क्या मानते हैं पत्नी मानते हैं जबकि बाकी सब जगह हम साहित्य में या और जगह पढ़ते हैं तो वहां पर केवल प्रेसी के रूप में उसको माना जाता है पत्नी है जो किसको माना जाता है रुक्मणी को माना जाता है ये चीज आपको ध्यान रखनी है एक संप्रदाय है निम्बार्क जो राधा को क्या मानता है पत्नी मानता है और जो पूजा पाठ होते हैं उसमें भी राधा है वो पत्नी के रूप में वहां पर मतलब उनकी मूर्ति वगैरह लगी हुई रहती है आगे बात करते हैं हम जो दशमी है भाद्र शुक्ल दशमी है इसको तेजा दशमी कहते हैं और नागौर में बहुत ही फेमस मेला लगता है गांव-गांव में जहां पर भी तेजा जी के जो स्थान हैं थानक बने हुए हैं वहां पर इस दिन मेले लगते हैं और काफी जो कह सकते हैं कि एक प्रसिद्ध मतलब अपने राजस्थान का बहुत ही फेमस है जो ये मेला होता है त्यौहार होते हैं ये एकादशी की बात करें तो एकादशी है झूलनी जिसको कहा जाता है देव झूलनी या जल झूलनी एकादशी कहलाती है और इस दिन भी हर गांव में ऐसे ही कार्यक्रम होते हैं जो चार का मंदिर होता है वहां पर उनकी जो पालकी वगैरह होती है उसको गांव का जो सबसे पवित्र जलाशय होता है वहां तक ले जाते हैं और भगवान को नहलाया जाता है ये चीज आपको झूलने का मतलब हो गया एक तरीके से जल में जल विहार करवाया जाता है तो ये आपको याद रखना और राजस्थान में इस तरह में फेमस है जैसे अपने राजसमंद में है गठवोर चार वो फेमस है अपने आसपास में भी जैसे चार भुजा और ये हैं तो आप सब जानते हैं वैसे ये याद रखना है भाद्र शुक्ल एकादशी या ग्यारह जिसको कहते हैं फिर है चतुर्दशी इसी को अनंत चतुर्दशी भी कहते हैं और गणेश जी का विसर्जन किया जाता है जब स्थापना होती है चतुर्थी को और गणेश चतुर्थी को और चतुर्दशी को फिर है जो विसर्जन किया जाता है और लास्ट त्योहार रहता है इस मास का वो होता है पूर्णिमा और तभी से जो श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं नेक्स्ट वन मंथ के लिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आश्विन जिसको अपने यहाँ मतलब शब्दों में जो आशो जो भी बोलते हैं आश्विन में कृष्ण पक्ष में शुरू के जो सोलह दिन होते हैं उसमें क्या मनाया जाता है श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है और मंगल काम नहीं होते मंगल काम का मतलब कोई इस तरह का शादी विवाह का कार्यक्रम हो या और भी कोई जैसे नवग्रह प्रवेश है या अच्छे जो काम है जो भी अच्छे काम है मंगल काम है वो कार्यक्रम है जो नहीं होते हैं और इस दौरान क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं ध्यान रखनी चाहिए जैसे एक तो सांझी की पूजा हो गया गोबर और मिट्टी की गोल आकृति की पूजा की जाती है सांझी बनाई जाती है फिर उसकी पूजा पाठ की जाती है वो बनती किससे है तो गोबर और मिट्टी से बनती है और उदयपुर में एक बहुत फेमस मंदिर है जिसको मच्छ्यन्द्र नाथ मंदिर कहा जाता है और मच्छ्यन्द्र नाथ मंदिर को ही साझी का मंदिर भी कहा जाता है वो क्योंकि उसका जो टाइप ऑफ मेकिंग है वो इस तरह का है और नाथद्वारा में भी हमने बात की थी वल्लभ संप्रदाय का जो भी स्थान है वहां पर केले की सांझी बनाई जाती है और श्रद्ध पक्ष के अंतिम दिनों में जो व्रत किया जाता है उसको थंबूड़ा व्रत के नाम से जानते हैं ये अपने को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए पता होना चाहिए मतलब पता होगा आप लोगों को अगर नहीं है तो ध्यान रखना है इसका और आश्विन में इस तरह की कंडीशन बनती है तो फिर ध्यान रख लेना इसका यहाँ अब बात करते हैं आश्विन में कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष की तो कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल शुक्ल पक्ष पक्ष है पक्ष में शरद नवरात्रि को एकम एक के दिन और अष्टमी के दिन दुर्गा अष्टमी अष्टमी मनाई जाती है जिसको भी कहते हैं अपने यहाँ इसके लिए शब्द है जो अपने लोकेलिटी में जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है पियाड़ी तो ये आश्विन शुक्ल अष्टमी होती है तो दसवीं के दिन मनाया जाता है अपने यहाँ दशहरा और दशहरा यानी विजयादशमी और फिर इसमें जो महत्वपूर्ण मेले हैं उनके नाम हमें पता होने चाहिए जैसे राजस्थान में सबसे जो फेमस है वो मेला है सबसे बड़ा जो मेला है वो होता है कोटा इंडिया में जैसे मैसूर कर्नाटक में वैसे ही यहाँ पर कोटा में और इस दिन क्या होता है जो मुख्य कार्यक्रम होते हैं उसमें हथियारों की पूजा की जाती है जैसे तलवार बाले वगैरह हैं उनको एकदम से साफ़ सुथरा करके और उनके तिलक वगैरह लगाना पूजा करना ये और इसी दिन खेजड़ी की पूजा भी की जाती है तो खेजड़ी की पूजा किस त्यौहार में पूछने की पूरी संभावना रहेगी मतलब पक्का याद रखना है इसको कि खेजड़ी की पूजा है वो दशहरे पे या विजयादशमी पे होती है और 1988 में 5 जून के दिन जो कि अपना पर्यावरण दिवस है और डाक टिकट भी इस पर जारी किया गया था और खेजड़ी के बारे में तो अफी बातें हैं समी जानटी ऐसे इसके उपनाम भी हैं और इसको राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं और एक ऐसा पेड़ है जिसका हर हिस्सा है वो यूजफुल है कैसे है जो भी आप समझ सकते हैं कैसे हैं तो जैसे खेजड़ी खेजड़ी का जो पेड़ है उसका ईंधन के रूप में यूज किया जाता है उसकी जो पत्तियां वगैरह हैं फलियाँ हैं उनको पशु पक्षी खा पशु खाते हैं और यानी वो उनके भोजन के एक तरीके से भोजन के रूप में यूज़ होती है और बाकी अपना जो रेगिस्तान है उसकी मतलब हालत खराब है वहां पर केवल का ही पेड़ है जो पनप के और थोड़ा फायदा पहुंचाता है और दशहरे के दिन ही और आपको ध्यान रखना है एक चिड़िया होती है जिसको लील टास कहते हैं किंग फिशर कहते हैं और उस किंग फिशर चिड़िया को देखना है वो शुभ माना जाता है ऐसा माना जाता है कि अगर किंग फिशर को देखते हैं हम तो फिर हमारा जो सौभाग्य मतलब जो भाग्य है वो अच्छा चलता है इस तरह की मान्यता है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कन्या सेठिया की को बहुत ही प्यारी सी एक कविता है नाम है उसका लील टाँस उन्होंने इसमें इस, इस चिड़िया के बारे में मतलब बढ़ाई की है एक तरीके से उसका वर्णन किया अच्छे से तो ये आप याद रख सकते हैं अब ये साहित्य की प्रश्न एक प्रश्न भी बन गया अपने की लील टांस के लेखक कौन है तो कन्या सेठिया चुरु के हैं तो थोड़ा आपको ध्यान रखना और पूर्णिमा होती है उसको शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा कहते हैं मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव अजय अगर तो ध्यान रखना जोधपुर में मनाया जाता है राजस्थान सरकार का यानी कि जो अपना पर्यटन विभाग है उनकी तरफ से इस त्यौहार को मनाया जाता है मांड महोत्सव जो जैसलमेर में है मारवाड़ महोत्सव की अगर बात आती है तो फिर वो आपको ध्यान रखना है जोधपुर में और मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है तो मीरा महोत्सव मनाया जाता है चित्तौड़गढ़ में ये आपको ध्यान रखना है और ये हम बात कर रहे थे अश्विन पूर्णिमा की इसके बाद अब जो त्यौहार देखे हैं हमने सारे के सारे नाम आपको ध्यान रखने जैसे आश्विन में जो शुक्ल पक्ष है कृष्ण पक्ष है वहां तो कोई कहानी है नहीं शुक्ल पक्ष में सारे त्यौहार ध्यान रखने हैं एकम है अष्टमी है द्वादशी है और पूर्णिमा है और इसमें भी सबसे ज्यादा जो वर्णन आया है वो किसका आया है दशमी का सब ध्यान रखने अपने कोटा को ध्यान रखना हथियारों की पूजा है खेजड़ी की पूजा है लील लीलटास के दर्शन है लीलटास के लेखक कन्यालाल सेठिया है और मीरा महोत्सव और मारवाड़ महोत्सव भी अपने को ध्यान रखना है इसमें वैसे सरकार की तरफ से जो अलग अलग समय है जो इसकी जो इसकी अंग्रेजी तिथियां होती है वो भी जारी की जाती है क्योंकि विदेशी पर्यटक भी इसमें शामिल होते हैं बहुत सारे तो लेकिन वो हर बार है जो हिंदू तिथि के हिसाब से जब शरद पूर्णिमा आती है रास पूर्णिमा आती है उस दिन इस कारण से वो तिथियां जो बदलती हैं अब हम बात करेंगे नेक्स्ट है अपना कार्तिक और कार्तिक में जो कृष्ण पक्ष है उसके जो त्योहार है उसकी अगर हम बात करें तो जैसे चतुर्थी अष्टमी यहाँ लिखा हुआ है इसके अलावा जैसे तेरस को धनतेरस मनाते हैं फिर वो दीपावली वाला कार्यक्रम है तो तेरस चतुर्दशी रूप चतुर्दशी हो जाती है है वो यानी कि दीपावली है तो वही सारे जो त्यौहार हैं कृष्ण पक्ष में मनाते हैं और तो देखते हैं सबसे पहले है चतुर्थी इसी को क्या कहते हैं करवा चौथ और ये प्रश्न जो अभी रिसेंट जो एग्जाम हुआ था आरपीएससी का उसमें पूछा भी गया था कि करवा चौथ कब मनाई जाती है अगर ऐसा प्रश्न वापस से आता है तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी ऐसे आपको याद रखना है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी और अष्टमी अष्टमी को अहोई अष्टमी भी कहा जाता है और इसमें जो व्रत किया जाता है वो संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है इसके बाद हम धनवंतरी जयंती मनाते हैं आगे बात करते हैं तेरस को दंत 13स है वो और भारत के बहुत बड़े डॉक्टर थे धनवंतरी अगर नाम थोड़ा मतलब ऐसे लगता है कि सुना हुआ नहीं है तो उनकी उनका परिचय भी बहुत बढ़िया दे रखा है यहां पर और अपने यहाँ धनतेरस को क्या कार्यक्रम होते हैं वो भी जैसे नए बर्तन वगैरह खरीदते हैं पीली मिट्टी लाते हैं घर में सोने का सिक्का या चांदी का सिक्का वगैरह खरीदते हैं इस तरह की बातें हैं तो ये आप, आपको ध्यान रखना त्रयोदशी फिर रूप चतुर्दशी है चतुर्दशी के दिन और अमावस्या यानी कि दीपावली भगवान राम का घर पे आगमन हुआ था वापस से अयोध्या के लोगों ने घी के दीपक जलाए थे और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज भी दुनिया का बहुत ही मोस्ट ऐसा त्योहार कहा जा सकता है जब भी मतलब मार्केट वगैरह में इस तरह फिर रौनक आ जाती है कि एकदम बहुत अद्भुत सा काम हो जाता है।, ये आप लोगों को रखना है और फिर हम बढ़ जाते हैं और वही कार्यक्रम है नाथ द्वारा में एक फेमस कार्यक्रम होता है वो याद रखना आपको अन्नकूट महोत्सव होता क्या है भील जनजाति की भील, भील जनजाति के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में वहां आते हैं और अन्नकूट का मतलब समझ लेना ऐसे जैसे अपने यहाँ लोकेलिटी में जो मंदिरों में प्रसाद दिया जाता है जैसे चावल और जो चमले वगैरह है उनको मीठा करके घी डालकर इस तरह की मिठाई बनाई जाती है और उसको बांटा जाता है वही सेम कहानी यहाँ पर है यहाँ पर भी ऐसे कहा जाता है कि वो जो जनजाति के लोग हैं उनको प्रसाद बांटा जाता है उसका नाम अन्नकूट महोत्सव है दू द्वितिया मतलब कि भैया दूज उसी को यम द्वितीया के नाम से भी जानते हैं अष्टमी को गोपाष्टमी कहा जाता है यहाँ पर वो मतलब गोपालक के हिसाब से गोपाष्टमी बनाए है सब और नवमी आंवला नवमी या अक्षय नवमी के नाम से जानी जाती है अभी एक नवमी हम जो पढ़ के आए हैं श्रावण कृष्ण में वो निडरी थी वो, वो निडरी नवमी थी और ये है आंवला नवमी ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना और आंवले के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल दे रखी है है ना विटामिन सी का स्रोत होता है तो उपयोग करना चाहिए और यहाँ पर लिखा हुआ कि आंवला है जो अक्षय होता है कभी खराब नहीं होता उसमें कीड़े नहीं लगते हैं इस तरह की बात कही गई है और अभी ये जब हम पढ़ रहे थे दीपावली उस समय हमने जो चीज छोड़ दी थी उस पर बात करते हैं भगवान महावीर और दयानंद सरस्वती का निर्माण दिवस है इस दिन उनकी डेथ हुई थी ये अपने को और थोड़ा ध्यान रखना भगवान महावीर और दयानंद सरस्वती दयानंद सरस्वती की दयानंद सरस्वती संबंध अपने राजस्थान का बहुत मतलब महत्वपूर्ण संबंध रहा है हमें पढ़ना पड़ेगा जैसे जोधपुर में जब भी थे उस समय वहाँ पर जसवंत सिंह की एक प्रेसी थी नन्ही जान उनके द्वारा उनको कांच पीस कर पिला दिया गया था बाद में उनको अजमेर लाया गया और इस तरह की स्थिति तो वो आपको ध्यान रखना है कि जब भी दीपावली का दिन था यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कार्तिक का अमावस्या के दिन है जो उनकी मृत्यु हो जाती है तो ये ध्यान रखना इधर हम शुक्ल पक्ष के त्योहारों में बात कर रहे हैं एकादशी की देव उठनी एकादशी जिसको कहा जाता है प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जा कहा जाता है शादी विवाह है जो अभी चार महीने से बंद पड़े हुए रहते हैं इससे पहले के वो यहीं से वापस से क्या होते हैं शुरू हो जाते हैं और इस दिन पुष्कर का मेला शुरू होता है और वो पूर्णिमा के दिन है जो पूर्ण होता है बहुत ही फेमस है कार्तिक पूर्णिमा पुष्कर मेला फेमस ही है इसके अलावा और खूब सारे मेले हैं जो इस दिन लगते हैं बात करते हैं जो पूर्णिमा है उसी को सत्यनारायण पूर्णिमा भी कहते हैं और इसी दिन है जो कार्तिक स्नान होता है अपने यहाँ जो गांव में भी ट्रेडिशन है कि जो महिलाएं हैं या लोग बाग है महिलाएं जरूर नहीं है पुरुष भी स्नान करते हैं और फिर एक उसका मतलब कि समापन वो कहीं ऐसे तीर्थ स्थल में जाके और पूर्णिमा के दिन करते हैं उसी को कार्तिक स्नान कहा जाता है पहले कहाँ कहां लगते हैं तो पुष्कर मेला फेमस है इसके अलावा कोलायत मेला फेमस है बीकानेर का और पुष्कर मेला तो सबसे फेमस मान सकते हैं उसको के लिए फेमस है, है, है। चंद्रभागा भरता है जालरा पटन में अभी कल हमने था, उस समय भी बात की थी और क्या बात की थी कि मालवी जो नस्ल है उसके जो पशु है वो ज्यादा यहाँ आते हैं फिर रामेश्वरम मेला लगता है माधोपुर में ये भी एक त्रिवेणी संगम है जानते हैं कि शिव नदी और ये मिलती है जहाँ पर बनास चम चंद्रभागा मेला में मालवी नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय ठीक है मालवी नस्ल मतलब एम यानी मालवा के पशुओं ने कारण ये ठीक है कोलायत में कपिल मुनि रहते थे और जिन्होंने कौन सा दर्शन दिया था सांख्य दर्शन दर्शन को कहते हैं फिलोसफी ये लिखा हुआ है तो कोई ऐसी बात है नहीं और ध्यान रखना है कोलायत के बारे में और भी हमने देखा था कि जो चारण व्यक्ति होते हैं वो इस चीज के दर्शन नहीं करते हैं और बहुत सारी कहानियां हैं फिर कोलायत जब हम अपने क्या कहते हैं ज्योग्राफी व्यू में जब पढ़ते हैं तो बट बट रेत का पक्षी होता है तीतर होता है वो उसके बारे में भी यहाँ पर ध्यान रखते हैं मार्कशीट और पोस्ट दो ऐसे मास हैं जब कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता है ये आपको ध्यान रखना है यानी जब भी कोई एग्जाम में अगर कोई प्रश्न आता है वैसे तो ऑप्शन में देंगे नहीं है लेकिन आप ध्यान रख सकते हैं मार्क मार्गशी पोस्ट अगर ऑप्शन है तो फिर वहां पर वो आंसर नहीं होगा इसी त्यौहार में रूल ऑफ रिजेक्शन में ये अपने काम आ सकता है और नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं किस तरफ माघ की तरफ तो माघ में जैसे कृष्ण पक्ष है तो कृष्ण पक्ष में तीन त्यौहार मनाते हैं अपन जैसे चतुर्थी है एकादशी है इसके अलावा जो मोनी मावशा होती है और तो बात करते हैं शुरुआत है चतुर्थी जिसको तिल चतुर्थी कहते हैं इससे पहले भी हमने चतुर्थी पढ़ी है गणेश चतुर्थी वो अलग थी है ना करवा चौथ वो अलग थी यहाँ है तिल चतुर्थी इसी को संकटनारायण चतुर्थी भी कहते हैं और सवाई माधोपुर में एक कस्बा है जहाँ पर एक मंदिर है चौथ का बरवाड़ा वहाँ माता का मंदिर है और वहां पर मेला लगता है और महिलाओं में काफी ये है जो पूज्य है ये थोड़ा ध्यान रखना हमें महिलाएं हैं वो ज्यादा यहाँ पर पूजा पाठ करती हैं फिर एकादशी है एकादशी को सट तिला एकादशी भी कहते हैं हम छह प्रकार के तिलों का दान दिया जाता है सठ तिल मतलब सट का मतलब यहाँ पर छह से लगाना है और अमावस्या है इसी को मौनी अमावस्या कहा जाता है मौन रहा जाता है मौन ये कितनी बढ़िया अमावस्या रही होगी और इस दिन कुंभ मेले का सही स्नान होता है फिर हम बात करते हैं इसके शुक्ल पक्ष की तो शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्र प्रारंभ होते हैं एकम एक के दिन कौन सा शुक्ल ये ध्यान रखना माघ शुक्ल माघ शुक्ल एकम से गुप्त नवरात्र प्रारंभ होते हैं और माघ शुक्ल पंचमी ये सबसे महत्वपूर्ण गार्गी पुरस्कार वाला तो ये तो खास तौर से हमें याद रखना है बसंत पंचमी मनाई जाती है माँ सरस्वती की पूजा की जाती है विद्या की देवी की पूजा की जाती है और राजस्थान सरकार है वो भी एक दो साल अभी कोरोना कारण थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था बाकी जो गार्गी पुरस्कार है वो इस दिन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है गार्गी पुरस्कार का मतलब वही जानते ही है बोर्ड के एग्जाम में प्लस अंक लाने वाली लड़कियों को जो पुरस्कार मिलता है अब बात करते हैं माघ पूर्णिमा की माघ पूर्णिमा को एक एग्जाम में सबसे ज्यादा बार आया हुआ जो प्रश्न है उसकी बात कर रहे हैं हम अभी नवा टापरा गाँव है डूंगरपुर जिला है और साबला ग्राम पंचायत है ग्राम पंचायत का नाम भी यहाँ कहीं मिलना चाहिए हमें अगर नहीं मिलता है तो आप ध्यान रख लेना साबला है और मेला है उसको हम कहते हैं वेनेश्वर वेनेश्वर लिखा हुआ है वेनेश्वर भी एक नाम आता है भगवान शिव है उनकी पूजा की जाती है ना वेणेश्वर शब्द उनके लिए आता है जैसे जो भी जितने शब्द आते हैं उसमें अलग अलग नाम आते हैं इस कारण से कंफ्यूज नहीं होना है सोम माही और जाखम ये तीन नदियां यहाँ मिलती हैं त्रिवेणी बनाती हैं और वहीं पर ये जो मंदिर है वो स्थित है यहाँ का जो शिवलिंग है वो है जो खंडित है ये थोड़ा आपने को ध्यान रखना है जब भी जो मुगल आक्रांत आए थे उन्होंने जो मूर्तियां वगैरह तोड़ी थी तो उसमें यह शिवलिंग भी खंडित हुआ था बेणेश्वर को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है एक तरीके से या वागड़ का पुष्कर कहा जाता है क्योंकि वहां पर जितने आसपास में जो आदिवासी लोग होते हैं वो सब है वो आस्था के कारण है जो यहाँ इस मेले में भाग लेते हैं और एक तरीके से बहुत ज्यादा संख्या होती है तो वो उनका कुंभ जैसा हो जाता है नेक्स्ट हम बात करते हैं फाल्गुन और फाल्गुन में जो कृष्ण पक्ष है तो कृष्ण पक्ष में एक ही त्यौहार है महाशिवरात्रि जिसको हम कहते हैं शिवाड़ माधोपुर में मेला भरता है और कौन से महादेव हैं वहां पर बारवां ज्योतिर्लिंग कहा जाता है जिसको कुश्मेश्वर महादेव जी तो उनका मेला भरता है कब भरता है ध्यान रखना है फाल्गुन कृष्ण पक्ष को और फिर शुक्ल पक्ष का भी हम देख लेते हैं क्योंकि शुक्ल पक्ष में जो मेला है मतलब कि मेले हैं उनका उनमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस जैसे द्वितीय की नहीं है लेकिन जो होली है होली पे अपने राजस्थान में बहुत सी जगह होली खेलने की जो ट्रेडिशन है वो बहुत अलग अलग हैं कि जैसे हम जानते हैं कि यहां पर जैसे बिनाय का नाम तो अपने स्क्रीन पर नजर आ रहा है महावीर जी का नाम भी आ रहा है आडमेर का नाम तो ये क्या मिलान वाला प्रश्न भी बन सकता है इसके अलावा जैसे अपने मारवाड़ में जो और कार्यक्रम होते हैं ब्यावर अजमेर में जो बादशाह की सवारी भी इसी दिन निकलती हैं, सांगोद में जो झाँकियाँ निकलती हैं नान की वो भी फेमस है और जो जयपुर का जन्म मरण महोत्सव है वो भी है जो बहुत ही फेमस है तो इन सबको हमें ध्यान रखना चाहिए तो बात करते हैं शुक्ल पक्ष शुक्ल पक्ष में द्वितीय फुलेरा दूज या शादी के सावे उसके नाम से ये जानी जाती है कौन सा शुक्ल है पक्ष है ये ये भी अपने को पता होना चाहिए फाल्गुन शुक्ल है और फाल्गुन की जो पूर्णिमा होती है उस दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है वो है होली कहाँ कहाँ की और किस तरह की फेमस है पक्के याद रखने यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी पूरी जैसे बिना अजमेर की जो कोड़ा मार होली है वो फेमस है अब कोड़ा मार का मतलब समझ गए होंगे बचपन में कभी खेल खेला होगा वो कोड़ा है संभाल भाई इस तरह का तो वही कहानी यहाँ पर बनती है महावीर जी करोली में लठमार होली है ये मुझे लगता है ये जबरदस्ती काम है तो और बाड़मेर में है पत्थर मार होली अब अपने यहाँ जो तो ट्रेडिशन है वो एकदम अलग ही लेवल के हैं तो थोड़ा ध्यान रखना है और ये जो पत्थर मार होली है ये बाड़मेर की ध्यान रखना है इसके अलावा यहाँ पर भिनाई के बारे में जैसे यहाँ एक लाइन लिखी हुई है क्योंकि भिनाय के बारे में हमने अभी बात की थी कोड़ा मार होली भिनाई क्यों फेमस है राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति यहाँ पर बनाई गई थी इस कारण से बिनाई फेमस है और क्या क्या फेमस है इस दिन इल्लो जी यानी होलिका के पति की बारात निकाली जाती है कहाँ पर निकाली जाती है में। और इलोजी को मारवाड़ में क्या कहा जाता है छेड़छाड़ का देवता कहा जाता है फिर व्यक्ति मतलब को है जो आगे निकाल देते हैं थोड़ा मतलब विचित्र वेशभूषा उसको बेरुड़ा कहा जाता है ये भी अपने को ध्यान रखना बादशाह की सवारी के दौरान ये भी एक मतलब की आकर्षक मतलब आकर्षण का केंद्र होता है ऐसे ध्यान रखना आपको सांगोद कोटा नहाड़ की झाकियाँ निकलती हैं ये बहुत फेमस जगह है सांगोद में तो थोड़ा ध्यान रखना है और जयपुर में इसी को हम जन्म मरण और परण का त्यौहार कह सकते हैं मनाया जाता है ये हम बात कर रहे थे सारी की सारी फाल्गुन के बारे में फाल्गुन का शुक्ल पक्ष है वो यहाँ पर खत्म होता है अब आगे आते हैं हम जो कृष्ण पक्ष है चैत्र का उसके बारे में बात करते हैं और कृष्ण पक्ष में जो त्यौहार है उनमें जैसे एकम एक तो ही है दुलंडी मनाते हैं शीतलाष्टमी मनाते हैं अपने यहाँ और इसके बाद जब ऋषभ देव मेला भरता है अपने क्या नाम है उदयपुर में जिसको और कालाजी के नाथ जी आ, केसरी नाजी भी कहते हैं इसके अलावा जो एकादशी का मेला भरता है चित्तौड़गढ़ में और ये दस ग्यारह दिन बाद भरता है जिसको क्या कहते हैं जोहर मेला कहते हैं तो वो सब जो जो चैत्र पक्ष है उसके कृष्ण पक्ष की बात कर रहे हैं तो शुरुआत होती है एकम एक से और जस्ट जो दीपावली का जैसे दहन होता है उसके अगले दिन धुलंडी होता है कार्यक्रम और इसमें जो रंग लगाने का और वो कार्यक्रम ये से समझ लेना फिर अष्टमी है अष्टमी को अपने यहाँ शीतला अष्टमी कहा जाता है बाशोड़ा कहा जाता है इसका मतलब कि उस दिन ताज़ा भोजन नहीं बना के और उससे एक दिन पहले जो भोजन बनाया जाता है वो भोजन इस तरह का बनाया जाता है कि वो खराब नहीं हो और उसी भोजन का उपयोग जो उस दिन किया जाता है चाकसू जयपुर में इस दिन है जो गदों का मेला लगता है और क्योंकि शीतला नाम आ रहा है शीतला अष्टमी तो शीतला माता का मेला है वो का मेला हालांकि नाम आया है लेकिन वहां पर जो शीतला माता का मंदिर है इस कारण से वहां ये मेला लगता है और अष्टमी या अष्टमी ओब्लिक करके नवमी है ऋषभ देव मेला दुलेव में लगता है है उदयपुर में है चैनो के प्रथम भगवान यानी आदिनाथ का वो मंदिर है भील जनजाति के लोग हैं वो उनको क्या कहते हैं कालाजी होगा जरूरी केसरियानाथ जी और कालाजी उनको कहते हैं भील जनजाति के लोग और बहुत सारे मतलब अलग अलग जो जैसे अपने क्या कहते हैं अनुसूचित जनजाति के लोग भी पूछते हैं आदिवासी लोग भी पूछते हैं और जो मतलब की जैन धर्म के लोग हैं वो भी इनको पूछते हैं आगे बात करते हैं इसी में एकादशी एकादशी भी ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है जोहर मेला लगता है कहाँ लगता है चित्तौड़गढ़ में और इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि होली के ग्यारह दिन बाद होली जब भी मनाई जाती है उसके ग्यारह दिन बाद एकादशी हो जाएगी ग्यारह मतलब और उस दिन ये मेला बढ़ता है और बात करते हैं शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकम है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ से हमें याद रखना है क्योंकि बसंत नवरात्रा प्रारंभ होते हैं और जो हिंदुओं का नया साल है विक्रमी नववर्ष है वो यहाँ से शुरू होता है उन्नीस सौ छप्पन में अकाल छपनिया अकाल पड़ा था इसी कारण वो मतलब की फेमस है और उसमें जो वर्ष का अंतर है वो भी थोड़ा हम देख सकते हैं ये जरूर ये एक, एक, एक मतलब ट्रिकली चीज है अपने को समझनी चाहिए जैसे अभी चल रहा है दो तो इसमें अगर हम सत्तावन एड करते हैं

एड करते हैं तो वो बनता है नाइनटी सेवन और जब भी नाइन सेवन में उनकी मृत्यु भी हुई थी तो ये उसका कारण यही है कि वहां पर सत्तावन साल का अंतर उन दोनों में है नेक्स्ट बात करते हैं तृतीय गणगोर जयपुर और उदयपुर की गणगौर की सवारी फेमस है जयपुर की फेमस है उदयपुर की फेमस है, है। कर्नल जेम्स टोर्ड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है उन्होंने किताब लिखी थी और किताब कब छपी थी अठारह में किताब का नाम क्या है एनल्स अभी वैसे किताब यहाँ लिखने में थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है तो हमें ध्यान देना चाहिए इस बात पर किताब का नाम क्या है एनल्स एंड एंटीकिटीज ऑफ राजस्थान ये किताब का नाम अपने को ध्यान रखना लंदन से प्रकाशित हुई थी और इस पुस्तक में वर्णन है किसका उदयपुर की गणगौर का क्योंकि वो उदयपुर के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे थे वहाँ पॉलिटिकल एजेंट के रूप में काम कर रहे थे तो जहाँ के जो दृश्य देखेगा कोई व्यक्ति अगर वर्णन करना तो फिर वो वही का वर्णन करेगा इस तरीके से हम इस बात को याद रख सकते हैं किताब का नाम भी याद रखना है क्योंकि और जगह ये काम आ जाएगा भले यहाँ नहीं तो भी नहा द्वारा में इसी को गुलाबी गणगौर या चुनड़ी गणगौर कहा जाता है और भगवान कृष्ण को जो किस रंग की चुनड़ी पहनाई जाती है गुलाबी इसी कारण नाम क्या हो गया गुलाबी गणगौर और सर्वाधिक लोक गीतों का त्यौहार है मतलब समझना है कि जो लोक गीत गाए जाते हैं उनमें किस त्यौहार पर सबसे ज्यादा लोकगीत बने हैं तो वो कौन सा त्यौहार है गणगौर है लड़कियां अपने अच्छे पति तथा तो अपने भाई के लिए अच्छी पत्नी के लिए व्रत करती हैं देखो कितना मतलब कि एक तरीके से ये महत्वपूर्ण हो गया यहाँ याद रख सकते हैं सब जैसलमेर में गणगौर चतुर्थी को मनाई जाती है ये थोड़ा सा अलग है ये ध्यान रखना अपने को इसी मास की जो नवमी है उसको मनाया जाता है राम नवमी का त्यौहार और पूर्णिमा को मनाई जाती है हनुमान जयंती तो ये दोनों भी आप लोगों को ध्यान रखना है पूर्णिमा जब भी होती है तो दो तीन मेले मनाए मेले भी आयोजित होते हैं तो उनके नाम ध्यान रख लो जैसे हनुमान जयंती है तो हनुमान जी के जहां पर मंदिर है महत्वपूर्ण वहां पर ये मेले आयोजित होंगे जिनमें सालासर है चूरू में दाढ़ी मूछ वाले बालाजी भी कहा जाता है जिनको और मेहंदीपुर बालाजी हैं दोसा के जहाँ की डाक ने ऐसा शब्द कभी सुना होगा आपने बहुत फेमस है और बालाजी दक्षिण में किनको कहा जाता है विष्णु भगवान को कहा जाता है ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा थोड़ा सा अलग मतलब ये शब्द है कभी बाई चांस सुनो आप तो फिर जैसे एक क्रिकेट में खिलाड़ी हुए हैं लक्ष्मीपति बालाजी तो वहां कंफ्यूज मत होना कि लक्ष्मीपति कैसे हैं तो वो लक्ष्मीपति का मतलब विष्णु भगवान की बात की जा रही हूं नेक्स्ट बात करते हैं हम वैसाख वैसाख में जो कृष्ण पक्ष है उनमें एक ही त्यौहार है जो गणगौर है एक तरीके से गौर का मतलब मंगोरी समझना है कृष्ण पक्ष की जो तृतीया होती है धींगा गौर मनाई जाती है और धींगा का मतलब होता है ऐसे यहाँ लिखा हुआ है जैसे धींगा का मतलब जबरदस्ती एक तरीके से मेला है जैसे होली पे जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं लगभग उसके जैसा ही कार्यक्रम यहाँ पर होता है ये अपने को समझना है और शुक्ल पक्ष है इसमें जैसे बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन दो दो त्यौहार हैं उसमें एक तो अक्षय तृतीया है जहाँ बाल विवाह होते हैं ये आपके स्क्रीन पर नजर आना इसके अलावा जैसे पूर्णिमा है जिसको हम बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा कहते हैं और इस समय जो मेले लगते हैं बहुत ज्यादा है जैसे जयपुर में बाणगंगा में मेला लगता है मतलब विराट जो सभ्यता है वहां पर इसके अलावा जालरापाटन में मेला लगता है माउंट आबू में लगता है अपने चित्तौड़ में भी जो क्या कहते हैं उसको मारवाड़ अपने मेवाड़ का हरिद्वार मातृकुंडिया वहाँ मेला लगता है प्रतापगढ़ में जो गोतमेश्वर नामक स्थान है वहां पर भी मेला लगता है और अपना जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना अपने को अगर हिंदू तिथि के हिसाब से देखें तो वो यही दिन था तो शुक्ल पक्ष में शुरुआत करते हैं बात करते हैं सबसे पहले जैसे तृतीया है इसी को अक्षय तृतीया और अपने यहाँ इसका जो नाम आता है वो आता है अपने यहाँ लोकेलिटी में इसको कहा जाता है अखा तीज आखा मतलब अक्षय ऐसे समझना ये इसका मतलब संस्कृत ट्रांसलेशन हो गया और राजस्थान में सर्वाधिक बाल युवा होते हैं इसी दिन क्योंकि अक्षय तृतीया है कोई वो जो सावे वगैरह है या मुहूर्त का कोई लपड़ा नहीं होता है बीकानेर की स्थापना इस दिन हुई थी आकातीजा अक्षय तृतीया के दिन हुई थी विक्रम संवत पंद्रह में और नेक्स्ट बात करते हैं कोई स्टूडेंट है जो जैसे जिसने चौदह सौ अठासी याद कर रखा होगा तो उसके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सैचास कैसे आ गया तो वो सत्तावन साल आपको माइनस करने पड़ेंगे और तभी जाके हैं जो आप जो सही तारीख तक पहुंच पाएंगे आगे बात करते हैं पूर्णिमा पूर्णिमा में बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा इसी को कहा जाता है भगवान बुद्ध को पीपल के नीचे है जो इसी पूर्णिमा के दिन ज्ञान मिला था इसी कारण इसका नाम क्या हो गया बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा मेले कहाँ कहाँ लगते हैं बात करते हैं जैसे बाण गंगा का मेला तो बाण गंगा या अर्जुन की गंगा या ताला नदी रुंडित नदी दो में उसको जो ट्रेंड मिला था ये नाम मिला था वो सब चीजें अपने को ध्यान रखनी है विराट नगर जयपुरिया विराट नगर को अपन और क्या कह सकते हैं विराट फिर है गोमती सागर पशु मेला झालरा पटन में लगता है मालवी नस्ल के जो पशु हैं उनके लिए फेमस है नक्की झील का मेला नक्की झील कहाँ है माउंट आबू सिरोई में और जो ग्रासिया जनजाति के लोग हैं उनके लिए काफी पवित्र है अस्थियां विसर्जित करते हैं इसके किनारों पे जो नन रोक रोड रोक वगैरह फेमस है तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है एकमात्र झील जो राजस्थान की जो जमती है सबसे गहरी भी है सबसे ऊंची भी है बहुत सारी कहानियां इसके साथ है तो याद रखनी अपने मातृकुंडिया मेला कहाँ लगता है चित्तौड़गढ़ में इसको याद रखना है इसको हरिद्वार भी कहा जाता है और गोतमेश्वर मेला कहां लगता है अरोद प्रतापगढ़ में पोकरण में परमाणु परीक्षण भी इस दिन किया गया था इस कारण से भी ये जो पूर्णिमा है वो काफी फेमस है अपने को ध्यान रखना मतलब वैसाख पूर्णिमा के फेमस होने का एक कारण वो भी है और बुद्ध पूर्णिमा भी है ये इसी कारण इसका वो जो नाम आया था स्माइलिंग बुद्धा वो स्माइलिंग बुद्धा है जो इसी कारण आया था ये भी थोड़ा ध्यान रखना अपने को आगे बात करते हैं ज्येष्ठ मास के जो त्योहार हैं उनके बारे में ज्येष्ठ मास में जो कृष्ण पक्ष में भी उसमें कृष्ण पक्ष अमावस्या वट वृक्ष अमावशा भी कहते हैं बड़ माउस भी जिसको कहते हैं अपन और मुझे लगता है इसका कारण ये रहा होगा ज्येष्ठ का मतलब हो गया जेठ और जेठ का मतलब यहाँ पर सबसे अपने राजस्थान में जो सबसे गर्म मास है वो है जो यही होता है और बड़का जो वृक्ष देखा होगा आप लोगों ने तो काफी शीतलता देता है इसी कारण है उसका भी त्यौहार मनाते हैं हमने यहाँ लोग शुक्ल पक्ष में दशमी है गंगा दशमी जिस पर जो भरतपुर में मेला लगता है कामा भरतपुर में काफी प्रसिद्ध मेला है ये और एकादशी है उसको निर्जला एकादशी कहा जाता है उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती है और बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है स्थापना दिवस है तो अक्षय तृतीया को जब भी हम वहाँ बात रहे थे उसमें हमने पतंगे उड़ाने की बात नहीं की लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है निर्जला एकादशी का मतलब यही होता है कि लोग जब भी व्रत करते हैं तो पूरे दिन पानी नहीं पीते हैं एकदम अलग ही प्रकार का ट्रेंड है फिर बात करते हैं हम आषाढ़ की तो आषाढ़ में जो कृष्ण पक्ष है कोई त्यौहार नहीं है और जो शुक्ल पक्ष है उसमें अपने को ध्यान रखने हैं जैसे तीन चार त्यौहारों के नाम या हमें जैसे एकम को गुप्त नवरात्रा प्रारंभ होते हैं नवमी के दिन भटलिया नवमी होती है और जो एकादशी होती है वो देव शवनी एकादशी के रूप में जानी जाती है और आषाढ़ की जो पूर्णिमा होती है उसी को हम गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा कहते हैं तो एकम एक गुप्त नवरात्र प्रारंभ होते हैं नवमी के दिन भड़ला भड़लिया नवमी है देव एकादशी भी कहा जाता है एकादशी को और पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा या फिर व्यास पूर्णिमा एक ही बात है ये दोनों मतलब एक ही है वेद व्यास महाभारत जिन्होंने लिखी थी उनका हैप्पी बर्थडे होता है इसी कारण से ये व्यास पूर्णिमा कहलाती है ये आपको ध्यान रखना है और फिर आगे जो लाइन लिखी हुई है इसका मतलब समझना है कंटिन्यू कंटिन्यू श्रावण कृष्ण पक्ष यानी यहीं से वापस हम आ जाएंगे वहां पर जब हमने शुरुआत की थी श्रावण से और श्रावण में हमने जब श्रावण जब शब्द आया था मतलब कि श्रावण मास है वहां से शुरुआत नहीं होनी चाहिए लेकिन हमने शुरुआत की थी तो उसका भी एक कारण था क्योंकि त्यौहार है वो सब है जो वहां से शुरू होते हैं सबसे जो महत्वपूर्ण है जैसे श्रावण में हमने जो कृष्ण पक्ष है उसमें बात की थी कि नाग पंचमी मनाई जाती है सबसे पहले इसके बाद निड्री नवमी मनाई जाती है अमावस्या मनाई जाती है और या फिर जो उसका शुक्ल पक्ष है उसमें भी जो महत्वपूर्ण त्यौहार है उसमें जो छोटी तीज है जो कि अपना वो डायलॉग था ऐसे तीज त्यौहार बावड़ी उसमें भी फेमस शब्द था तो वो शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है इसके बाद श्रावण में ही हमने पूर्णिमा पर बात की थी कि जो राखी का त्यौहार है वो मनाया जाता है और वहीं से वापस से ये सेम सीनेरियो है जो शुरू होता है और खत्म होता है यहाँ पर आकर जो व्यास पूर्णिया वहां पर आकर तो ये अब तक जो हमने पढ़े हैं ये सब थे हिंदू त्यौहार और तिथियां वैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इस कारण से याद रह पाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन एक दो बार अगर इस वीडियो को सुनेंगे आप और नोट्स बनाएंगे निश्चित रूप से पीडीएफ पे जो प्रिंट आउट अगर आपको मिल गया है कहीं से या फिर पीडीएफ आपके पास सब देख कर तो फिर धीरे धीरे याद होना शुरू होंगे और बिल्कुल तैयारी नहीं करने के बजाय थोड़ी बहुत तैयारी करें और कोई सिंपल सा क्वेश्चन आता है अपना सही होता है तो वो वहां पर अपने फायदा करने वाला है अभी हम बात करते हैं जो अन्य धर्म है उनके त्यौहारों के बारे में भी जैसे मुस्लिम त्यौहार है बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है थोड़ा सा यहाँ पर जैसे वर्णन दे रखा है कि मोहम्मद साहब हैं वो सात 570 सौ ईस्वी में मक्का गए थे वहां मतलब मक्का में उनका जन्म हुआ था और फिर ये मक्का छोड़कर कुछ दिनों बाद जो कहाँ चले गए थे मदीना चले गए थे ये सब सुना होगा मक्का मदीना और राजस्थान अभी जैसे राजस्थान का कस्बा अजमेर है उसको मक्का भी कहा जाता है भारत का तो वो क्यों कहते हैं उसका कारण थोड़ा सा से उसको जोड़ सकते हैं और ये जो घटना है इसको हिजरत कहा जाता है हिजरत का मतलब एक एक तरीके से हो गया स्थान स्थान को छोड़कर पर जाना और हिजरी कैलेंडर की शुरुआत भी यहीं से हुई थी यहाँ पर भी जो मास है वो चंद्रमा आधारित ही है और अधिक मास नहीं जोड़ने के कारण फिर वो उनमें जो मतलब वो दस दिन का जो केप आता है वो जो खत्म नहीं होता आगे से आगे वो प्लस होता रहता है यानी उनकी तिथियां जो अगर अंग्रेजी मास के हिसाब से जमाना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं होती है समान, ये नाम, इसके ध्यान रखना को। और कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार हैं उनके बारे में हम बात करते जैसे मोहरम है वहां पर वो शुरुआत क्यों हुई उसकी बात कर रहे हैं मोहम्मद साहब मेन व्यक्ति थे खलीफा थे और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई उसके बाद दो प्रतिनिधि आ गए उनके तो उसमें एक तो मोहम्मद साहब का खुद का अपना जो हम था वो था अली और उसके बाद जो उसने जो शाखा चलाई थी इनकी उसका नाम था शिया और एक उनका ही जो सहयोगी था मदद करने वाला व्यक्ति था अबू बकर उमर उस्मान और उसने जो शाखा चलाई थी उसका नाम है सुन्नी और फिर इन दोनों जो पार्टियां थी जैसे शिया और सुन्नी इनके बीच में हो गया झगड़ा और फिर ये जो कहानी है वो आगे बढ़ती है मोहम्मद साहब का दोता हुसैन बेहतर साथियों के साथ करबला के मैदान में क्या हो जाता है मारा जाता है और उसकी याद में जो ये त्यौहार मनाया जाता है जिसको मोहरम कहते हैं ताजिए निकाले जाते हैं और यह जो इनके लिए एक तरीके से यह हमें समझना है गम का त्यौहार है गम का मतलब यह है जो इस दिन मातम मनाते हैं दुख मनाते हैं यह थोड़ा अपने को ध्यान रखना है क्योंकि कोई अगर मारा गया था तो खुशी मनाने से तरह सत्ताइस तारीख गलिया कोट डूंगरपुर ये फेमस है मोहरम की सत्ताइस तारीख सैयद फकदीन का उर्स यहाँ पर प्रश्न आ सकता है आपने वो थोड़ा ध्यान रखना और यहां उर्स शब्द है हिंदुओं में उर्स का मतलब मेला समझते हैं अपन अपन मेला बोलते है, उनके क्या बोलते हैं हैं उनके क्या उर्स और दाऊदी बोरा संप्रदाय का यहाँ पर स्थान है दाऊदी बोरा संप्रदाय का मतलब कि जैसे मुसलमानों में अलग अलग जो संप्रदाय होते हैं जातियां होती हैं उनकी भी एक तरीके से मान लो अपने जैसे समझना है तो और दाऊदी बोरा संप्रदाय के लोगों के लिए ये है जो मूल स्थान मतलब कि उनका मूल स्थान है और सफर ये मास का नाम है और सफर की बीस तारीख को क्या होता है रबी हुसैन मर गया था उसके चालीस दिन पूरे हो गए थे और इस दिन है जो ये त्योहार मनाते हैं चहलम ध्यान रखना है आगे रबी उल अवल है तो इसकी बारह तारीख को जो ईद मिलादुल मोहम्मद साहब का जन्मदिन और मोहम्मद साहब की मृत्यु बारह वफात ये इस नाम से जाने जाते हैं दोनों नाम अपने को ध्यान रखने उसानी, लवल और उसानी, जम ये, इन दो में तो कोई त्यौहार नहीं है जन्म हुआ था ईरान में और रज तो रज में अपने ध्यान रखना है मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर का जो मेला लगता है वो बढ़ता है एक से छ तारीख तक और इस मेले में जो गोरी परिवार है बीलवाड़ा का वो जो झंडा चढ़ाता है अपने जैसे दो पताका फहराई जाती है ऐसे पताका फहराई जाती है और वहीं से और की शुरुआत होती है ये अपने को ध्यान रखना है मेराज की रात मोहम्मद साहब की खुदा से मुलाकात हुई ऐसा माना जाता है इसी कारण 27 तारीख जो है उसको क्या माना जाता है मेराज की रात माना जाता है और कुछ थोड़ा सा यहाँ पर हमने बात की है जैसे थोड़ा सा जब मतलब कुछ चीजें जो हम हमारे मतलब कि हमारा जो आसपास का परिवेश है उसमें उन चीजों का प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उसको हमें थोड़ा समझना चाहिए जैसे यहूदी हैं तो उनके जैसे भगवान हैं मोजेस हैं और उनकी जो पुस्तक है वो ओल्ड टेस्टामेंट के नाम से जानती है जानी जाती है और उनका जो मेन जो दिन है वो है शनिवार और ईसाई हैं उनके भगवान जीसस हैं बुक कौन सी है जिसमें उनके जो उनको जिनको फॉलो करना वो है वो नियम वगैरह लिखे हुए हैं तो वो कौन सी है बाइबिल है अपने तो को समझना है और इसके अलावा ओल्ड टेस्टामेंट टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट इनके मतलब दो एक क्या कह सकते हैं उनके दो भाग हो गए ऐसे मान सकते हैं और संडे है जो इनका शुभ दिन होता है इसी तरह इस्लाम में इनके जो भगवान है वो तो क्या है वो मोहम्मद साहब है पुस्तक कौन सी है जिसमें इनके नियम वगैरह लिखे हुए तो वो कुरान है और जो प्रमुख त्योहार है वो कौन सा है तो शुक्रवार है ऐसे आपको ध्यान रखना है ये थोड़ा सा मतलब उसमें तुलना आपके याद रख सकते हैं आप शबान की चौदह तारीख को शबे राज मनाते हैं मक्का की हीरा पहाड़ी पर जाते हैं और पापों को प्रायश्चित करते हैं ये थोड़ा ध्यान रखना है रमजान तो सबसे पवित्र महीना होता है और जो रोजे रखे जाते हैं वो इस तारीख को रखे जाते हैं ये ध्यान रखना है और सत्ताईस तारीख को जो कुरान लिखी गई थी जिसको सबे कदर कहा जाता है सवाल एक तारीख ईद उल फितर जिसको मीठी ईद कहा जाता है और शिव की ईद होती है जिलका में कोई त्योहार नहीं मनाया जाता है और जल में मुसलमान है वो क्या करने जाते हैं हज यात्रा करने जाते हैं नाम सुना होगा कभी इस तरह से सरकार सब शेड्यू वगैरह देती है इस कारण थोड़ा अखबारों में ट्रेंड में रहता है ये सब और ईद उल जिहा ईद उल जुहा है वो दस तारीख को मनाया जाता है जिसको कहते हैं बकर ईद भी कहते हैं या फिर बकरों को मारा जाता है इस कारण से इसको उनकी कुर्बानी दी जाती है एक तरीके से तो कुर्बानी का त्यौहार भी इसको कहते हैं तो ये हमने अभी जो बात की थी अब इसके बाद बात करते हैं हम जैन धर्म के त्यौहार और कभी कभी क्या है जब ये शुरू वाले जो नाम है उनमें से अगर कोई प्रश्न नहीं आया तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बन सकती है तो थोड़ा ध्यान से हमें देखना है जैसे जैन धर्म के त्यौहार है उसमें सबसे पहले चैत्र कृष्ण नवमी के दिन कौन सा मनाया जाता है ऋषभ जयंती ऋषभ देव जयंती और चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है महावीर जयंती और ये भगवान महावीर जैन धर्म के इस तरह से हमें याद रखना है दस लक्षण पर्व से पहले भी प्रश्न आया हुआ है और अपने को याद रखना है शुक्ल पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक चित्र मास में भाद्रपद में और माघ में तीनों ही मास में जो दशलक्ष्मण पर्व मनाया जाता है और जो भाद्रपद में मनाया जाता है उसको ही पर्यूषण पर्व या महापर्व कहा जाता है तो अभी यहाँ जो ये निशान बने हुए हैं, इसमें सबसे मेन हमें किसको याद रखना है भाद्रपद को याद रखना और भाद्रपद में कहाँ से कहां तक भाद्र शुक्ल पंचमी से शुक्ल चतुर्दशी कौन सा त्योहार पर्यषण ऐसे याद रखना अपने को और पर्यूषण में भी दो प्रकार हैं जैसे इनके दिगंबर और श्वेतांबर तो दिगंबर में पर्यूषण भाद्र शुक्ल पंचमी से चतुर्थी है ना और अश्विन में जब मनाते हैं तो पड़वा हो गया क्षमा याचना ये आपने जरूर ही देखा होगा कि ये जो लोग हैं किसी प्रकार की अगर कोई गलती होती है या नहीं भी होती है तब भी ये क्या मांगते हैं अपने जो भी बंधु बांधव होते हैं उनसे क्षमा मांगते हैं एक तरीके से क्षमा याचना को भी इन्होंने पर्व बना रखा है तो थोड़ा याद रखना इसको पड़वा ढोक कहते हैं अश्विन शुक्ल अश्विन कृष्ण एकम को और जो श्वेतांबर होते हैं वो भी पर्युषण जो पर्व मनाते हैं वो मनाते तो वही सेम मतलब भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से लेके यहाँ पंचमी है उसमें द्वादशी आ जाएगा और चतुर्थी तक मतलब दो चार दिन कम मनाते हैं और भाद्र शुक्ल पंचमी को ये संवत्सरी पर्व या क्षमा याचना पर्व मनाते हैं ऐसे याद रखना रोड तीज भाद्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है और अपने यहां भी जैसे बैरोजी बालाजी इनको रोड चढ़ाया जाता है तो ये भी रोड चढ़ाते हैं इनके भी वगैरह तो फिर ध्यान रखना शुक्ल तृतीया दशमी 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 या धूप भाद्र शुक्ल को मनाई जाती है और सिखों के त्योहार से भी जो रिसेंट अपना जो एग्जाम हुआ था डीएलएड का उसमें एक प्रश्न पूछा गया था तो थोड़ा सा यहाँ पर भी हमें सावधानी रखनी है याद रखना गुरु नानक जयंती मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा को और कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती ध्यान रखना है इम्पोर्टेंट है सिखों के जो सबसे पहले भगवान है वो गुरु नानक है मेले बरते हैं कोलायत बीकानेर में और साहबा चूरू में फेमस ये साहबा जो है वो फेमस गुरुद्वारा है गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है पौष शुक्ल सप्तमी के दिन सिखों के जो दसवें गुरु हैं भगवान हैं उनकी और लोहड़ी मनाई जाती है तेरह जनवरी को तेरह अप्रैल को मनाई जाती है वैसाखी और ये दोनों जो त्यौहार हैं इनमें क्योंकि तारीख सेम है जनवरी और अप्रैल है तो कभी कभी क्या एग्जाम में हम कन्फ्यूज हो सकते हैं तो थोड़ा याद रखना है जैसे लोहड़ी है वो पहले है यानी जनवरी में है और वैसाखी है वो बाद में है तेरह अप्रैल तेरह अप्रैल सोलह सौ सो निन्यानवे गुरु गोविंद सिंह ने आनन्तपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी जो इनका एक एक तरीके से मान सकते हैं लड़ाकू जो विंग थी उसकी स्थापना की थी और तेरह अप्रैल के दिन 1919 में जलियावाला बाग हत्याकांड भी हुआ था क्योंकि 13 अप्रैल को ये जो लोग हैं वो सब बैसाखी मना रहे थे जो वहाँ जलिया वाला जो बाग है वहां पर और उसी त्योहार मनाते मनाते उस दौरान है जो कर्नल वो जो डायर था उसने जो हमला करवा दिया था इन हाँ अभी मैंने क्या वो सिख में कह दिया था कि रिसेंट ईयर में वो क्वेश्चन आया था वो आया था अपने इसमें क्या कहते हैं जो सिंधियों के त्यौहार है इससे आया था चालीहा महोत्सव है ना अभी जब नाम आया तब मुझे याद आया तो ध्यान रख लेना ऐसे पूछा गया था सिंपल सा कि चालीहा महोत्सव है जो कौन से धर्म के लोग हैं जो मनाते हैं कौन से धर्म के मनाते हैं सिंधी लोग मनाते हैं ऐसे ध्यान रख लेना तो इनके त्योहारों में है चेटी चंडिया झूलेलाल जयंती चैत्र शुक्ल एकम और वरुण का अवतार माना जाता है थदड़ी सतम भाद्र कृष्ण सप्तमी होती है उसको ही जो कृष्ण जन्माष्टमी से एक दिन पहले उसको थदरी सतम कहा जाता है और चालीहा महोत्सव ध्यान रख लेना ये ईसाइयों के त्यौहारों में जैसे ट्रेंड में तो नहीं रहते हैं लेकिन थोड़े नाम सुने सुने से लगेंगे जैसे गुड फ्राइडे हैं इसके अलावा ईस्टर है और असेंसन डे है ये दो तीन त्यौहार हैं इनके नाम याद रखने अपने को और सबसे मेन जो त्यौहार है उसका तो नाम जैसे आया नहीं है क्रिसमस डे है जैसे तो क्रिसमस डे बाई चांस एग्जाम में पूछ लिया जाता है हमें तो फिर क्रिसमस डे का सबको ध्यान रखना है कि, कि कितनी तारीख को मनाया जाता है तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है यही सबसे महत्वपूर्ण है बाकी यहाँ जैसे गुड फ्राइडे पर लिखा के बारे में जो वर्णन है उसमें लिखा हुआ है कि ईस्टर से ठीक पहले का फ्राइडे होता है, इस दिन क्या हुआ था ईसा मसीह को फांसी पर चढ़ा दिया था और फिर ईस्टर के दिन क्या हुआ था तो वो वापस से जिंदा हो गए थे और वो दिन संडे था इसी कारण से जो इनके संडे हैं वो पवित्र दिन माना जाता है और जो असेंशन डे है वो जो ईस्टर के चालीस दिन बाद, बाद आता है और ईसा मसीह जो इस दिन माना जाता है कि ये मतलब कहाँ चले गए थे स्वर्ग में चले गए थे वैसे प्रयास किया है मैंने कि कहीं कोई जैसे नोट्स हम पढ़ते हैं उस समय जब खुद से पढ़ते हैं तो कुछ चीजें जो समझ में नहीं आती हैं रह जाती हैं छूट जाती हैं और फिर हम कहीं मतलब प्रयास करते हैं कि कोई और बताए तो यहाँ पर थोड़ा टाइम तो एक घंटे का जाएगा लेकिन ये जो टॉपिक है अगर इसको एक से दो बार और आप अगर देखते हैं वीडियो में ही या सुनते हैं इसको केवल सुनते भी हैं तो भी थोड़ी सी क्लियरिटी माइंड में जरूर आएगी और नोट्स जरूर बनाने हैं जो क्लास आप अगर वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं तो उसके नोट्स है जो कंपलसरी बनाने होंगे तब जाके वो जो टॉपिक आपका क्लियर होगा और जो चीजें हम क्लास में पढ़ रहे हैं वहां पर क्या कि एकदम किसी प्रकार की कोई मन में इस तरह का प्रश्न हो अपने तो हम आराम से वहां पर क्लियर कर सकते हैं बात करके अब यहाँ समस्या ये आएगी जैसे मैंने कुछ बताया उस समय अब कोई प्रश्न जो दिमाग में आ रहा है तो अब मुझसे पूछा नहीं जा सकता क्योंकि ये प्री रिकॉर्डेड है तो इस तरह की कंडीशन बनती है तो वो भी नोट्स में थोड़ा सोल्यूशन निकलेगा और एक काम करना है कोई चीज अगर समझ में नहीं आती है तो उसको भी नोट करना है अलग से अपनी रफ कॉपी में और जब भी क्लास के दौरान इस तरह से मौका मिलता है तो टीवी के समय जो वो प्रश्न है जो पूछ सकते हैं सबको इस बात का जो पूरी तरह से अधिकार है और और तो क्या ही करना है जब भी मतलब क्लास को इस तरह से रिकॉर्ड करने का प्लान किया है तो जरूर आप लोगों के जितने भी दोस्त वगैरह हैं उन तक भी पहुंचाना ताकि उनका फायदा हो और अल्टीमेटली उससे अपना मतलब सबका फायदा होना है कुछ सुधार भी होगा थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि जब भी मैं क्लास मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो काफी सारे विद्यार्थियों को उसका फायदा हो रहा है ओके धन्यवाद